नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज हम जो कर रहे हैं टॉपिक मेंस्ट्रुएशन, उसमें हमें अलग अलग शेप्स देके रखे हैं, उनके हमको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। उन सबके फार्मूले आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, 9th स्टैंडर्ड में आपने किया था मेंस्ट्रुएशन, उसमें बहुत सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है बेसिक, सारा का सारा चैप्टर डिपेंड करता है फार्मूले जो देके रखे, पूरे फार्मूले उन पर, नंबर वन। और नंबर टू, आपका जो रीजनिंग स्किल है, आपका जो इमेजिनेशन है उसके ऊपर, मतलब विजुअलाइजेशन आपका तरीके से होता है तो आप सॉल्व करते हो क्विकली। और ये जो टॉपिक है ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है, मतलब मुझे दो टॉपिक बहुत अच्छे लगते हैं, एक ये और एक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ये क्विकली होते हैं, फटाफट। इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैंने दो यहां पर फिगर बना के रखे हैं, एक है क्यूबॉइड, एक है क्यूब। ये दोनों अपने आप में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन एक ही फर्क है कि इनके जो फेसेस हैं, क्यूबॉइड के फेसेस जो होते हैं वो सारे के सारे रेक्टेंगुलर फेस होते हैं, और क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर फेस होते हैं। ओके, ये हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे रखे हैं। इवन ये जो डस्टर है ये क्यूबॉइड है, हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो क्यूबॉइड है, हर चीज। ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा है यहाँ पर फेयर एंड लवली का, तो ये भी एक क्यूबॉइड है, सारी चीजें क्यूबॉइड है हमारे सामने, ये सारा का सारा क्यूबॉइड। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ओके सॉरी, ये लेंथ हो गई, ठीक है, उसके बाद में ये हाइट हो गई, और ये जो है इसकी ब्रेथ हो गई। ओके, तो यहां पर देखिए, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेथ, दिस इज बी, ओके, और ये होती है हाइट, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें जो कौन से फार्मूले होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लिखिए टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। भाई टोटल सरफेस एरिया कहां से आता है, टोटल सरफेस एरिया मतलब मैं जिस रूम में हूं उसकी बात कर रहा हूं, तो इस वॉल का एरिया, सामने वाली वॉल का एरिया, इसका एरिया, इस वॉल का एरिया, ऊपर के फ्लोर का, ऊपर की छत का एरिया और नीचे के फ्लोर का एरिया, ठीक है, जो रूफ है उसका एरिया, इसका एरिया, जो छह सरफेस है इन सबका हम एरिया प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। तो एक मिनट, हम वन बाय वन करते हैं, बात करते हैं ये लेंथ और ब्रेथ की। मैं बात करता हूं फ्लोरिंग की, तो फ्लोर मेरे पास जो होगा उसका एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, जो रूफ है उसका एरिया भी होगा लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर बात करते हैं हम ये लेंथ और ये हाइट की, मतलब इस वॉल की बात करते हैं, तो लेंथ इनटू हाइट। ओके, तो इसको मैं एचएल लिख लेता हूं, एचएल प्लस एचएल, ठीक है, क्योंकि ये वॉल और सामने वाली वॉल तो दो वॉल हो गए। अब बचता है ये वाला बी इंटू एच, तो यहां लिखिए बी एच ये वाली वॉल और बी एच ये वाली वॉल, ठीक है। तो देखिए मैं लिखते समय इसको अरेंज कर लू थोड़ा सा, कैसा है, दो एल बी, एल बी दो बार है, टू एल बी प्लस टू बी एच प्लस टू एच एल, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये टू कॉमन आएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ प्लस हाइट और हाइट प्लस एल, ये फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का। ओके, अब इसमें बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जो फ्लोर है और जो रूफ है इसको छोड़ दो, तो जो चारों दीवारें हैं उसका एरिया, अगर हम इसको छोड़ दें, अगर फ्लोर को और रूफ को छोड़ दें, तो फ्लोर का एल बी था लेंथ इंटू ब्रेथ, ऊपर का भी लेंथ इनटू ब्रेथ है, तो ये हटा देंगे, 2lb कम कर देंगे, 2lb कम कर देंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, तो उसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया होता है या कर्व सरफेस एरिया होता है, दैट इज 2bh प्लस hl, 2hl। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया, भाई सीना मैंने क्या बताया आपको कि ये 2lb यहां नहीं आएगा, बेस जो है, फ्लोर जो है उसका एरिया 1lb ये नहीं आएगा, और जो रूफ है उसका एरिया ये 2lb lb 2lb निकल जाएगा, तो बचा हुआ जो होगा वो बनाएगा लैटरल सरफेस एरिया। इसको कुछ जगह कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, लैटरल यहां बोलेंगे, कर्व वहां बोलेंगे, यहां पर कर्व शेप होगा, ठीक है, ये लैटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं, बात करते हैं वॉल्यूम की, इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट,
लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये तीन ही फार्मूले हैं जो इसमें है। इसमें एक और फार्मूला होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि ये रूम है और इस रूम में सबसे बड़े बाम्बू स्टिक मुझे रखना है, सबसे बड़ी बाम्बू स्टिक कैसे आएगी, इस कॉर्नर से जाएगी वो इस कॉर्नर तक, मतलब ऐसा इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, या फिर वो कॉर्नर से ये कॉर्नर, तो वो जो होती है ना उसको कहते हैं लेंथ ऑफ डायगोनल। ओके, वो होती है लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ओके, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेंथ ऑफ डायगोनल करके निकाल लेते हैं। आते हैं क्यूब पर। क्यूब में हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, भाई सारा का सारा एल है, ये भी एल है और ये भी एल है और ये भी एल है, सारा का सारा सेम है, सारा अगर सेम है, सारा अगर सेम है तो ये जो मैंने एल बी 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 बी एच एल एच एल बी एच बी एच लिखा है, तो यहां मुझे हर जगह एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल ऐसा छह बार लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि छह सरफेस है, चार वॉल और एक रूफ और एक बेस, तो ये हो जाएगा सिक्स एल स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया किसका, क्यूब का। अगर क्यूब का आपको कट सरफेस एरिया निकालना तो दो एरिया आप कम कर दो, तो कट सरफेस एरिया उसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोले, लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा फोर एल स्क्वायर। और उसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है दैट इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है तो एल इंटू एल इंटू एल, मतलब उसको हम लिखेंगे एल क्यूब। लास्ट इसमें यहां पर लेंथ ऑफ डायगोनल इसकी निकाली हमने क्यूबॉइड की, तो लेंथ ऑफ डायगोनल इसकी क्या होगी, इसकी लेंथ ऑफ डायगोनल निकाले। तो लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए अभी जैसे यहां पर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो यहां तीनों जगह क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट में थ्री एल स्क्वायर, तो एल बाहर आ जाएगा अंडर रूट थ्री। अब देखिए यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तो हमने निकाल लिए फार्मूले, लेकिन ये निकालते समय हमको यूनिट लगाना होती है। तो जहां पर एरिया लिखा है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या फीट होगा तो फीट स्क्वायर, जो भी होगा, तो वहां स्क्वायर यूनिट लगेगा किसमें, एरिया में, इन दोनों में, ठीक है। फिर वॉल्यूम जब होगा तो वहां सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ऐसा होगा। और डायगोनल लेंथ ऑफ डायगोनल लेंथ बोला है तो इसका सीएम होगा या मीटर होगा, जो भी है, जैसे हमको क्वांटिटीज दी होगी लेंथ ब्रेथ हाइट जैसी जिसमें दी होगी वैसे हम करेंगे। एक और चीज, हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी है तो तीनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अगर दो मीटर में है एक सेंटीमीटर में है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए जो सेंटीमीटर में है, या फिर दो सेंटीमीटर में है एक मीटर में है तो वो मीटर वाले को सेंटीमीटर में करिए, मतलब सारा का सारा यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, यहां पर भी देखिए टोटल सर्फेस एरिया लेटरल सर्फेस एरिया, ये दोनों जगह एरिया है तो यहां पर भी मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इनका यूनिट लगेगा, वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब यूज होगा और लेंथ ऑफ डायगोनल की जगह सेंटीमीटर या मीटर यूज होगा। तो इतना ये फार्मूले हैं किसके, क्यूब और क्यूबॉइड के। ये दोनों अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर आगे के जो शेप्स हैं जो फिगर्स हैं हम उन पे बात करते हैं, उनके फार्मूले देखते हैं और फिर बाद में पहुंचेंगे अपने प्रैक्टिस सेट पर। आइए अब आगे के दो फिगर करते हैं। यहां देखिए रखा सिलेंडर और कोन, सिलेंडर और कोन के लिए कौन से फार्मूले हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले सिलेंडर पे हम आते हैं और सिलेंडर का यहां देखिए ये जो है ना दिस इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर और ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। ये जो है पूरी की पूरी इसकी हाइट है। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, सिलेंडर बनता कैसे है। अगर हम सिलेंडर को, मेरे पास ये टेक्स्ट बुक है, मैंने उसको फोल्ड करके रखा है, ठीक है, तो ये बन गया सिलेंडर। इस साइड सर्कुलर है, ये फेस सर्कुलर है, ये फेस सर्कुलर है और ये कर्ड है। ये कर्ड जो है ये सर्कुलर फेस है, ये इसकी लेंथ कितनी होगी, सर्कल की लेंथ कितनी होती है, मतलब सर्कुलर रिंग की लेंथ कितनी होती है। अगर हम इसकी रिंग की लेंथ देखें कि रेडियस आर है तो वो टू पाई आर होती है, मतलब ये जो सिलेंडर है उसको मैं अगर ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक रेक्टेंगल मिलता है। देखिए जैसे ये टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक को मैंने सिलेंडर बना के रखा है, लेकिन मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो ये क्या बनती है आपके सामने, ये एक रेक्टेंगल बनती है। तो रेक्टेंगल में ये वाला पार्ट कितना है, ये वाला, ये जो पार्ट है वो है टू पाई आर, ठीक है, ये पार्ट है टू पाई आर और हाइट कितनी है एच। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना हुआ, इस पार्ट का मुझे एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालूंगा, दैट विल बी टू पाई आर इंटू एच। मतलब यहां पर क्या होगा, इसका कर्व सर्फेस एरिया होगा दैट इज टू पाई आर एच।
ठीक है, इसको कर्व सरफेस कहेंगे। कुछ टेक्स्ट बुक में अगर आप रेफरेंस बुक्स में जाते हैं तो कहीं पर आपको लेटरल सरफेस एरिया भी देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन कर्व इसलिए बोलते हैं कि वो कर्व के फॉर्म में होता है चारों तरफ का। इसमें कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का जो फेस है उसका एरिया नहीं लेते, नीचे के फेस का एरिया नहीं लेते। तो जब हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ऊपर के सरफेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर और नीचे के सरफेस का एरिया दैट इज अगेन पाई आर स्क्वायर, ये दोनों जब प्लस होते हैं पाई आर स्क्वायर किसमें प्लस होंगे, टू पाई आर में, तो इसको टू पाई आर में प्लस कर दो। तो देखो ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया भी आ गया, बेस का जो है उसका एरिया भी आ गया और ऊपर वाले का भी एरिया आ गया, ऊपर वाले फेस का, तीनों फेसेस का एरिया आ गया। अब ये जो है पाई आर स्क्वायर ये हो गया टू पाई आर स्क्वायर और ये है टू पाई आर एच, ठीक है, तो क्या होगा यहां पर टू पाई दोनों जगह है, आर दोनों जगह है, तो टू पाई आर कॉमन निकाल लो, बचेगा यहां पर आर और यहां बचेगा एच, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक, सॉरी सिलेंडर। अब इसमें कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस हो गया, इसका वॉल्यूम क्या होता है, देखिए एक बात ध्यान रखिए, वॉल्यूम आपको कोई बताएगा नहीं, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है यहां पर, एरिया ऑफ बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, नीचे का क्या है पाई आर स्क्वायर, मैं आप चाहे तो मैं उसको पहले ऐसे लिख लूं दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो ये क्या हो गया एरिया ऑफ बेस कितना है दैट इज टू पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर ना, क्योंकि एरिया ऑफ बेस, बेस क्या है, बेस सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है h, तो यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर h। एक बात ध्यान रखिए कि वॉल्यूम मैंने निकाला है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो हर जगह वॉल्यूम निकालने के लिए ये बात हमेशा ध्यान रखिए, ये रूल ध्यान रखिए, मतलब अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है और उसका आपको यहां पर एक शेप बना दिया इस तरह का और उसका आपसे अब एरिया किसी ने पूछ लिया कि इसका एरिया बताओ, तो वो उस वो, जो ट्राइंगल है उसका एरिया इनटू जो हाइट होगी वो ऐसे लेंगे, ठीक है, हालांकि वो जो मैं आपको बता रहा हूं वो उसमें नहीं आने वाला है, आपको तो ये तीन फार्मूले यूज करना है, ठीक है, ये भी आपको कोई पूछने नहीं वाला, हमारे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिए बहुत सिंपल दिए हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो सिलेंडर से रिलेटेड ये सारे फार्मूले हैं। आते हैं कोन पर, कोन में ये होता है इसका रेडियस, ये होती है हाइट और ये होती है लेटरल हाइट या स्लेंट हाइट, सॉरी स्लेंट हाइट जो उतार होता है, उतार वाली हाइट कितनी है, तो अगर हम इसे देखें तो इसको राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं, इस कोन को क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन, कुछ क्वेश्चंस में आपको राइट सर्कुलर कोन ऐसा भी कहा है, तो राइट सर्कुलर कोन क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल बनाता है, ये अगर राइट एंगल बनाता है तो उसका पहला फॉर्मूला बाय पाइथागोरस थ्योरम आता है, ये राइट एंगल है, सामने वाली साइड जो होगी हाइपोटेनस होगी, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये पहला फार्मूला होता है। उसके बाद में यहां पर और कौन से फार्मूले होते हैं, कर्व सर्फेस एरिया होता है, तो कर्व सर्फेस एरिया इसका क्या होता है, कर्व सर्फेस एरिया उसका होता है पाई आर एल, ठीक है, और टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस मतलब ये वाला पार्ट, मतलब कहीं टेंट आप बना रहे, टेंट लगा रहे, तो टेंट लगाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर कर्व सर्फेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। आपको ये पूछा कि कोन, आप आइसक्रीम में कोन खा रहे, तो उस कोन को जो उसका ईटेबल पार्ट है उसका एरिया निकालो, तो वो पाई आर एल होगा। और टोटल सर्फेस एरिया कैसा होगा कि भाई एक कोन के शेप में आपको देखे रखा है, उसको पैक चारों तरफ से कोन है, उसको चारों तरफ से पैक करके रखा है, मतलब बेस भी पैक है, ये बेस भी पैक है पूरा, तो उस समय आप टोटल सर्फेस एरिया निकालोगे, तो कर्व सर्फेस एरिया ये पाई आर एल और ये जो बेस है इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो वो कैसा होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। तो यहां से अगर मैं पाई आर कॉमन निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां आर बचेगा और यहां एल बचेगा, पाई आर आर प्लस एल, ठीक है, ये कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फार्मूला इसका जो है ना पाई आर स्क्वायर, ये इसका वन थर्ड होता है, वन थर्ड अपॉन वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इसके उसके वॉल्यूम में एक कनेक्शन ऐसा है कि अगर आपके पास में दो कोन है, सॉरी एक कोन है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और दोनों की हाइट और दोनों की रेडियस सेम है, तो एक कोन में जितना वाटर आएगा वो आप जब कोन भर के इसमें डालोगे तो तीन बार आप भर के डालोगे तभी सिलेंडर पूरा भरेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ थ्री टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वन टाइम द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के ही वॉल्यूम को वन थर्ड करके ये मिलता है, ठीक है, तो ये सिलेंडर और कोन के फार्मूले हो गए। इसके बाद
हमारे टेक्स्ट बुक में आगे हमें स्फेयर और हेमिस्फेयर के फॉर्मूले दिए हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर मैं पढ़ता हूं आगे, क्योंकि वो दोनों जो देखे रखे स्फेयर हेमिस्फेयर वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उसको करते हैं। अब आते हैं स्फेयर और हेमिस्फेयर पर। स्फेयर मतलब क्या, जैसे हमारे पास एक बॉल है वो स्फेयर है, ठीक है। सर्कल अलग है और स्फेयर अलग है। सर्कल मतलब चपाती और स्फेयर मतलब अर्थ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो यहां पर स्फेयर की बात करते हैं। स्फेयर की सपोज रेडियस हमें आर देके रखी है और हेमिस्फेयर यहां देके रखा है वो भी आर है, जैसे कटोरी है या बॉल को हमने, एक रबर की बॉल अगर फूट जाती है तो वो हेमिस्फेयर बन जाती है, वो रहती स्फेयर है लेकिन वो बन जाती है हेमिस्फेयर, ठीक है। इसमें होता है टोटल सर्फेस एरिया, इसमें होता है टोटल सर्फेस एरिया, ये जो है ना ये बॉल के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसका होता है टोटल सर्फेस एरिया दैट इज 4πr², ठीक। इसमें कर्व्ड सर्फेस एरिया नहीं होता क्योंकि टोटल सर्फेस और कर्व्ड सर्फेस एक ही है। ये बाहर जितना बॉल का चारों तरफ का आवरण है वो पूरा 4πr² होता है और इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है दैट इज 4/3πr³। बस दो ही फार्मूले होते हैं इसमें, हाँ, लेकिन यहां पर कर्व्ड सर्फेस एरिया भी होता है। इसमें कर्व्ड सर्फेस एरिया नहीं होता, इसमें टोटल सर्फेस एरिया कर्व्ड सर्फेस एरिया एक ही है, ओके, इसीलिए टोटल सर्फेस एरिया उसको कहते हैं। हेमिस्फीयर में पहले हम आते हैं कर्व्ड सर्फेस एरिया पर। कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या होगा भाई, पूरा जो है ये 4πr², इसको मैं काट दूंगा तो इसका आधा हो जाएगा दैट इज 2πr², पहला फार्मूला। अगर मैंने काट दिया तो ये वाला पार्ट जो है इसका 2πr² है एरिया, ठीक है, तो फिर ये अंदर वाले का एरिया टोटल सर्फेस एरिया में प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, टोटल सर्फेस एरिया होगा सॉरी दैट इज πr² मतलब ये प्लस 2πr², तो ये क्या बना दैट इज 3πr² टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। आगे आते हैं इसका, हम पहुंचते वॉल्यूम पर। इसका वॉल्यूम क्या होगा भाई, जो इसका वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम से हाफ होगा, तो 4/3 है, 4/3 का हाफ कर दोगे तो दैट इज 2/3πr³। बस यही फार्मूले मेन है जो हमें ध्यान में रखना है। ये सारे फार्मूले एक पेपर पे लिख लो और जहां पढ़ते हो वहां लगा के बैठ जाओ, मतलब जब भी आप पढ़ने बैठोगे बार बार जब आपकी नजर इन पे जाएगी और ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं फार्मूले उन पर जाएगी तब जाके आपका मैथ्स, मतलब आपको फार्मूले ध्यान में रहेगा ना तो प्रॉब्लम नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि वी फॉरगेट फॉर्मूलास एंड देन जो क्वेश्चन हमको आता है, जो क्वेश्चन के पूरे मार्क्स हमको मिल सकते हैं वो मार्क्स हमसे हमारे हाथ से निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। आगे आते हैं हम, आइए प्रैक्टिस सेट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, ओके, रेडियस ऑफ द बेस इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस देके रखी है हमें, आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर फॉर कोन, ठीक, एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर हाइट देके रखी है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या कहा है, हमें कहा है फाइंड द वॉल्यूम। देखो भाई वॉल्यूम निकालना है, हाइट हमें देके रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियस है, हमारे पास हाइट है, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है दैट इज 1/3πr²h, ठीक है, तो लिखिए 1/3, पाई की जगह आप 22/7 लिख लीजिए, आर स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 1.5², तो 1.5 का स्क्वायर और h की जगह लिखेंगे 5, ठीक है, लिखिए 1/3 × 22/7, 1.5 × 1.5 × 5, ये कैंसिल हो गया 0.5 times। अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 22 as it is, 0.5 और 5 हो जाएगा 2.5 × 1.5/7, पहले सबका मल्टीप्लाई कर लो, सारे का मल्टीप्लाई कर लो, फिर देखते हैं इसको किस तरह से 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। पूरों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक काम करते हैं, पहले 22 × 15 5 होगा 75, कैरी 7, 50 × 37, तो 3.75/7, ठीक है,
तो 22 इंटू 3.75 है, तो 3.75 में 22 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 2 5 10, कैरी 1, 15 कैरी 1, ये हो गया 7, तो ये 750 यहां आ जाएगा, 0.528, 82.50 यहां आएगा, ठीक है। तो लिखिए 82.50 अपॉन 7, तो कीजिए डिवाइड, 7 1 7 बचता है 1 1 2 12, 7 1 7 तो बच गए 5 5 5 55, तो 7 7 49 बच गए 6, फिर 7 8 56 बच गए 4 7 5, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो यू कैन राइट 11.785, ओके, सेंटीमीटर क्यूब करके आप इसका आंसर लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप दो डिजिट में लिखते हैं अप्रॉक्स करके तो भी चलेगा, और आप ऐसा लिख के छोड़ देते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और डायमीटर देके रखा है, हमें क्या देके रखा है, डायमीटर देके रखा है। यहां लिखिए डायमीटर ऑफ स्फीयर कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो डायमीटर मीन्स डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो डी की जगह आप एक काम करो 2R लिख दो, 6 सेंटीमीटर हो गया, तो R क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2, वो हो गया 3 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, 4 अपॉन 3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो लिखिए यहां पर 4 अपॉन 3, पाई की जगह भी पाई लिखिए, आर क्यूब की जगह 3 क्यूब लिख लीजिए, तो क्या होगा ये 4 अपॉन 3 पाई, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 4 36, ये हो गया 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप चाहे तो पाई की वैल्यू पुट करके भी इसको कर सकते हैं, और आप ऐसे करके करते हैं तो भी चलता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप यहां ना रुक के आप इसमें पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, और पाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 3.14, ओके, तो ये सेंटीमीटर क्यूब कीजिए वैल्यू पुट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 में 36 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 4 24 कैरी 2, ये 8 6 3 18, ठीक है, 3 4 12 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, और 3 3 9 कीजिए प्लस, 4 0 3 11, और पॉइंट दो के बाद 113.04 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको करना है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, मतलब मैं बताऊं आपको इससे सिंपल और क्या होगा, मतलब क्वेश्चंस ऐसे हैं कि डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में बहुत अच्छे हैं आगे के, हालांकि इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक बताने वाला हूं आपको, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बने, और अगले इसमें हम 7 से लेकर 12 तक जो क्वेश्चन है उसमें हम अगले वीडियो में वो कर लेंगे, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, उससे पहले अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब 3 क्वेश्चन करते हैं, क्या देखे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ओके, क्या देखे, हमें क्या पता करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें पता करना है पहली बात। फिर क्या देखे रखा है, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस क्या देखे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो यह लिखिए रेडियस कितनी है भाई, दैट्स 5 सेंटीमीटर, ओके, एंड व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 40 सेंटीमीटर, ओके, हाइट इज गिवन, दैट इज 40 सेंटीमीटर, ओके, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πr r + h, ओके, सो पुट द वैल्यू हियर, इट इज 2 एट द पाई, एट द प्लेस ऑफ पाई 22/7, R is 5 cm and here R plus H means 5 plus 40. अब क्या करेंगे, ये 2 as it is, इसको 3.14 लिख दो, ये 5 as it is, और ये हो जाएगा 45. 45 5 = 225, और ये हो गया 6.28. जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट 1413 cm², तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब 4th क्वेश्चन करते हैं, क्या देखे रखा है,
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर का एक स्फीयर है और हमें उसका सरफेस एरिया निकालना है. ओके, स्फीयर हम बना ले ऐसा, ये हो गया 7 सेंटीमीटर और हमें सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, दैट इज 4πr² और r हमें क्या देकर रखा है, 7 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, सीधा सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा. 4 का 4, पाई की जगह 22 अपॉन 7 और ये हो गया 7 स्क्वायर. 4 into 22 हो गया 88 और ये हो गया 7 into 7 अपॉन 7. 7 कैंसिल. ठीक है, 7 8 56 कैरी 5, 7 8 56 और 5, 616 सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर. बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, 616 स्क्वायर सेंटीमीटर का आंसर आ गया. ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन. आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन क्या देके रखा है, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर. ओके, लेंथ देके रखी है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ देके रखी है दैट इज 21 सेंटीमीटर और हाइट देके रखी है दैट इज 12 सेंटीमीटर. ओके, तीनों डायमेंशन देके रखी है क्यूबॉइड की. आगे क्या बोलता है, इट इज मेल्टेड एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड. ओके, इसको मेल्ट किया गया और 24 सेंटीमीटर हाइट का एक यहां पर कोन बनाया गया. एक बात ध्यान रखिए, जो मेंसुरेशन है उसमें इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं कि क्यूबॉइड से कोन बना दिया, कोन से स्फीयर बना दिया, स्फीयर से क्यूबॉइड बना दिया, स्फीयर से सिलेंडर बना दिया, ऐसे कंडीशन में जो मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन जो बदल होता है, जो इससे हमने ये बनाया है इससे ये बनाया, तो उस कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम रहेगा. होता है ना, गोल्ड अगर आपने लिया, गोल्ड का टुकड़ा लिया है और आपने उससे तार बना लिया, तो जितना वो टुकड़ा है उसका वॉल्यूम और जो तार आपने बनाया है उसका वॉल्यूम सेम आएगा. उस कंडीशन में क्यूबॉइड, गोल्ड का जो टुकड़ा है वो क्यूबॉइड है, उससे बन गया सिलेंडर. जो तार बनेगा वो सिलेंडर के फॉर्म में होगा. सोचिए सिलेंडर कैसे, वो बारीक होता है गोल. ठीक है, तो वहां पर उसका वॉल्यूम और उस तार का वॉल्यूम सेम आएगा. तो वैसे यहां पर इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम सेम होगा. ठीक है, कोन की हाइट देके रखी है, यहां लिखिए हाइट ऑफ द कोन दैट इज 24 सेंटीमीटर. हमें क्या बोलता है, हमें पता करना है फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, हमें इसकी रेडियस निकालनी है. वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस कोन. ओके, यहां लिखो स्टार्टिंग में The cuboid is melted and a cone is formed. उस condition में क्या होगा, so that therefore the volume of cuboid is equal to volume of cone. ये दोनों आपस में equal होंगे. अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होगा और ये क्या होता है, वो होता है दैट इज 1/3 πr² h. ठीक है, अब इसमें जो जो पता है इसको देखिए, यहां पर भी h है, यहां पर भी h है, इसको h1 कर दो, इसको h2 कर दो. अब हमने इसको h1 h2 कर दिया. ठीक है, यहां पर भी h1 h2 मेंशन कर दो, ये h1 है ये h2 है. क्या करेंगे, l जो है वो है 44, ब्रेथ जो है वो है 21 और h1 जो है वो 12. सारी वैल्यू पुट कर दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा. 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पर 22/7 लिख दो. आर स्क्वेयर हमको पता करना, तो आर स्क्वेयर को ऐसे ही रहने दो और h2 कितना है, वो है 24 यहां लिख दो. अभी जितने नंबर्स है ना सबको इधर भेज दो, सबको इधर भेज दो अपॉन, ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे. ठीक है, देखो क्या होगा, 44 इंटू 21 इंटू 12, 7 3 21 अपॉन ये हो गया 22 और ये हो गया 24. देखिए 22 इसके अपॉन में, 24 इसके अपॉन में. अब देखो ये क्या होगा, 22 टू जो हो जाएगा 44, यहां आर स्क्वायर ऐसे रखो, 22 के टेबल में 44 टू टाइम. ठीक है, 12 के टेबल में ये टू टाइम, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, देखो आर स्क्वायर इक्वल आया 21 into 21 square, 21 सेंटीमीटर. बस इतना ही करना है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख लीजिए,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपको सिर्फ अरेंजमेंट करते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है, फार्मूला, सारे फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्क्रीनशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। आइए सिक्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वहां देखे रखा, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन 7.8 एंड 7.9, हाउ मेनी जग्स ऑफ वॉटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ओके, ये कितना इसका वॉटर इसमें होल्ड करेगा, ठीक है। पहले तो एक काम करते हैं, जो जो मेजरमेंट देके रखे वो लिख लेते हैं। ये जो हाइट देके रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये जो रेडियस देके रखी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो सिलेंड्रिकल पॉट है उसका रेडियस देके रखा है, दैट्स 7 सेंटीमीटर, और उसका हाइट देके रखा है दैट्स 10 सेंटीमीटर। ये कितना देके रखा है, 10 सेंटीमीटर देके। अब एक बात ध्यान रखिए, हमको इसमें कितना वाटर ये होल्ड करके इसमें ये डाल सकता है, क्या बोलता, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट, ओके, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड, इसमें इसका कितना वाटर आएगा, ठीक है। पहले एक काम करते हैं, जो जो हमको देके रखा है वो लिख लेते हैं। इसके लिए रेडियस R1 कितना है, दैट्स 3.5 सेंटीमीटर। इसके लिए H1 कितना है, दैट्स 10 सेंटीमीटर। इसके लिए रेडियस R1 कितना है, सॉरी R2 कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है, और H2 इसकी हाइट कितनी है, दैट्स 10 सेंटीमीटर। हमें ये इसमें इससे कितनी बार हम इसको भरेंगे, तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सिंपल, ओके। तो यहां लिखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ जग इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स द जग, जो भी हो, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार उसको भरेगा, उसके लिए नंबर ऑफ टाइम्स लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या है, वो है पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। लेकिन देखिए सिलेंडर के लिए हमने R2H2 यूज किया, तो ये R2H2 कर दो, इसको R1H1 कर दो, इस 3 को ऊपर भेज दो, तो यहां नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा कैसा लिखिए, और आखिरी में इस नंबर ऑफ टाइम्स को थोड़ा स्टेटमेंट में लिखिए, दैट नंबर ऑफ टाइम्स जग इज यूज्ड टू फिल सिलेंड्रिकल पॉट कंप्लीटली, ऐसा थोड़ा सेंटेंस लिखना चाहिए था मैंने, वहां इस तरह से लिख लीजिएगा आप ऊपर, तो दैट इज इक्वल टू, अब देखो पाई पाई तो काट दो, ये 3 ऊपर ले जाओ, तो 3 हो जाएगा R2 square H2 upon R1 square H1। अब वेरी गुड, कर दो 3 की जगह 3, R1 की जगह R1 स्क्वायर की जगह 7 स्क्वायर, H2 की जगह 10, R1 स्क्वायर की जगह 3.5 स्क्वायर, और H1 की जगह 10 भी कट गया, ठीक है। क्या आया ये आया 3 एज इट इज, 7 स्क्वायर है तो 7 × 7, और ये 3.5 स्क्वायर है तो 3.5 × 3.5, ये कटेगा 2 टाइम, ये कटेगा 3 × 2 = 4, 3 = 12, तो 12 टाइम्स अ जग इज यूज्ड टू फिल द सिलेंड्रिकल पॉट कंप्लीटली। तो बस ऐसे इसको करना है, ये बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ बात क्या आती है, कैलकुलेशंस आपकी ओर से गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन थे, सारे के सारे 6 क्वेश्चन हमने किए हैं, अगले वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन है हमारे, हम वो कर लेंगे। तो दोस्तों बस इस तरह से ये सारे क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अगले वीडियो में हम बचे हुए जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पूरे के पूरे फार्मूले पर बेस्ड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि मैं वहां पर अभी कोई अपलोड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहीं पर अपना काम स्लोली चल रहा है, लेकिन हाँ मेरी जो पर्सनल फोटोग्राफ्स है वो मैं इंस्टाग्राम पर आपसे शेयर करते रहूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी।